है ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्यों सीखना है? इमरजेंसी के लिए, एनएबीएच के लिए नहीं, है ना। हम आज के दिन वही चीज़ें देखेंगे जो एनएबीएच पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट सबको आना चाहिए। अगर घर में या फिर कभी भी पास में कोई पहचान का दोस्त किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए, तो टाइम पे अगर आप बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं तो ही वो सर्वाइव हो पाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं कि जिन्होंने घर वालों ने सीपीआर दिया इसलिए आदमी बच गया, है ना। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, और ऐसे गाइडलाइंस है कि हर घर में एक आदमी को भी तो भी बेसिक लाइफ सपोर्ट आने चाहिए, है ना। जैसे लिफ्ट मैन है, कई के गार्ड्स है, इनको तो आना ही चाहिए। इसका सर्टिफिकेट कोर्स भी आते, पर अपन एक बेसिक में आज समझेंगे। तो बेसिकली हमको देखना है कि पेशेंट का हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। क्योंकि अगर हार्ट काम नहीं कर रहा है और उसको अगर कुछ समय में अगर आप उसको सीपीआर देते हो, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलो या फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट अगर आप देते हो, तो उसके बचने की, हार्ट के फिर से स्टार्ट होने के चांसेस अच्छे रहते हैं, है ना। तो बड़े लोगों में जब भी हार्ट बंद होता है तो उसका मेन कारण होता है हार्ट अटैक, जो हम बोलते हैं, है ना। हार्ट के इसमें ब्लड वेसल्स में क्लॉट आके उसको हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो अगर आप टाइम पे उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट दो तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने को देखना है कि जब भी कोई देखेंगे आपको सीन ऐसा मिलेगा कि ये पेशेंट है या बेहोश मिला, तो जाते बराबर डायरेक्ट हमको सीपीआर नहीं देना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कहीं वो सोया तो नहीं है, ऐसा तो नहीं उसको चक्कर आया है। बहुत बार उसको जब आप बोलोगे मिलन मिलन तो आके खोल के उठ जाएगा, है ना। इसको बोलते रिस्पॉन्स चेक करना कि पेशेंट को रिस्पॉन्स है या नहीं है। अगर रिस्पॉन्स नहीं है मतलब इमरजेंसी है ना। तो पल्स चेक करने से पहले सबसे पहले आपको किसी को तो हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। अब हेल्प किसको किसको बुलाएंगे, जो सामने दिख जाए उसको बुलाना है। नाम पता है तो नाम लेके बुलाना है, ठीक है, मोइन हेल्प के लिए आ जाओ प्लीज़। या फिर किसी को तो बोलना है हेल्प के लिए आओ, लेकिन उससे पहले कोड ब्लू एक्टिवेट कर लो। अब कोड ब्लू क्यों एक्टिवेट करना है ना। जैसे आप, हम अस्पताल में काम कर रहे हैं तो अस्पताल में एक इंटेंसिव केयर के स्पेशलिस्ट है, हम हैं, हमारी टीम है। मुझे जब तक पता नहीं चलेगा कि कौन से फ्लोर पे प्रॉब्लम हुआ है, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकूँगा। इसके लिए कोड एक्टिवेट करना है। वो कौन एक्टिवेट करेगा, रिसेप्शन पे जो आदमी बैठा हुआ है उसके सामने माइक पड़ा रहता है, आप उसको बता दोगे तो वो माइक पे अनाउंसमेंट करेगा, तो पूरे फ्लोर पे सबको पता चल जाएगा कि कोड ब्लू हुआ है, और साथ में वो पता जाएगा कि पोजीशन कहाँ पे है, है ना, कैजुअलिटी में है, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, ताकि मुझे पता चले कि मुझे पहुँचना कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने रिस्पॉन्स देखा और इसने बच्चे आदमी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी को तो हेल्प को बुलाओ और कोड ब्लू एक्टिवेट करने के लिए बोलो। कोड ब्लू के लिए अपने यहाँ पे नंबर कौन सा है, 555, ये सबको पता होना चाहिए। अब 555 क्यों है, 9 नंबर पे क्यों नहीं दबाने का, क्योंकि 9 नंबर बिजी रह सकता है ना। तो कोड ब्लू के लिए फ़ोन ही अलग है, वो फ़ोन ही अलग दिया, वो कभी बिजी नहीं रहेगा। तो आपने 555 दबाया तो वो फ़ोन तुरंत बजेगा, और जो रिसेप्शनिस्ट है उसको मालूम है अगर ये फ़ोन पे अगर फ़ोन बजा है मतलब ये इमरजेंसी वाला फ़ोन है, वो बाकी फ़ोन कॉल सब छोड़ के उसको तुरंत पिकअप करेगा, है ना, इसलिए इसका नंबर अलग दिया हुआ है। तो फ़ोन करने के बाद उसको बताना है कोड ब्लू, और जहाँ पे आप खड़े हैं वो बताना है। जैसे आप कैजुअलिटी में है, कोड ब्लू कैजुअलिटी, है ना, या फिर कोड ब्लू सेकंड फ्लोर। तो वो लड़का जो भी रिसेप्शन पर बैठा है वो माइक सिस्टम ऑन करेगा और वो बोलेगा कोड ब्लू सेकंड फ्लोर, कोड ब्लू कैजुअलिटी। अब ये कैजुअलिटी सेकंड फ्लोर बताना ज़रूरी है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, मुझे भी पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है, है ना। तो कोड ब्लू टीम के जो भी एक्सपर्ट है, जितनी भी टीम है, वो उस हिसाब से उस जगह पे पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद में वो हैंडल करेंगे। वो आने तक के तुमको पेशेंट को सर्वाइव कराना है ना, आपका रोल यही तक है। एक बार मैं वहाँ पे पहुँच गया तो बेसिक लाइफ सपोर्ट से उसको एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में मैं लेके जाऊँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तब तक के आपको पेशेंट को जिंदा रखना है, उसको सपोर्ट देते रहना है। सपोर्ट कैसे देंगे, हार्ट बंद हो गया है तो हार्ट को पंप करना पड़ेगा। हार्ट को पंप करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर में एक स्टर्नम नाम की हड्डी है, पीछे में अपना स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ये दोनों के बीच में जब आप ऊपर से दबाते हो तो हार्ट उसके बीच में पंप होता है और उसके कारण से शरीर में ब्लड जाता है, खास करके ब्रेन को। अगर आप पंप नहीं करोगे और ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो ब्रेन सबसे पहले डेड हो जाता है, और ब्रेन डेड हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आपको उसको पंप करना है। पंप करने के साथ साथ उसको सांस भी देनी पड़ेगी,
है ना, तो उसको सांस भी देनी है। अगर आप सांस दे रहे हो और हार्ट को पंप कर रहे हो प्रॉपरली, तो वो हो सकता है वो आदमी उतनी देर तक के जिंदा रहे। फिर एक बार सपोर्ट आ गया, ब्लू कोड कोड ब्लू टीम आ गई, तो उसके बाद में फिर वो चीज़ें संभाल लेते हैं। तब तक के आपको पेशेंट को संभाल के रखना है, ठीक है। तो चेस्ट कॉम्प्रेशन जब आप देते हैं तो दोनों के बीच में वो हार्ट कॉम्प्रेस होना चाहिए, लेकिन साथ में उसको आपको रिलीज भी करना है ना। अगर ऐसे ऐसे दबाते रहोगे तो वो हार्ट ऐसे ऐसे ही रहेगा, उसको आपको पंप करने के लिए उसको ओपन भी होने देना है। तो जब आप दबाते तो उसके साथ में उसको ऊपर भी आने देना है ना। ये चीज़ें अभी समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैं चेस्ट कॉम्प्रेशन का डेमो कराऊंगा उस वक्त आपको देखना है कि किस तरीके से किया जा रहा है। तो दबाने के बाद में उसको रिलीज भी करना है, ठीक है। और ये जो आप कर रहे हैं, अपना हार्ट रुकता क्या कभी? नहीं, जब से हम पैदा होते मरने तक के वो पंप करते रहता है। तो इसको भी आपको उसी तरीके से पंप करना है। इसमें मिनिमम इंटरप्शन रखने हैं, है ना, उसको मिनिमम इंटरप्शन रखना है। आपको ऐसा ना हो कि दबा दिए फिर इधर उधर देख रहे, बार बार पल्स चेक कर रहे, तो उसको इंटरप्शन नहीं देना है, उसको मिनिमम इंटरप्शन रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप आए और देखे कि सबसे पहले पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है, रिस्पॉन्स नहीं है तो क्या करेंगे? हेल्प के लिए बुलाएंगे। हेल्प हेल्प बोलो या फिर किसी का नाम लेके बोलो, मोइन हेल्प करो और कोड ब्लू एक्टिवेट करो। कोड ब्लू एक्टिवेट करने के लिए नंबर है 555, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कोड ब्लू का बटन भी रहता है, यहाँ पे रहेगा कोड ब्लू का बटन, है ना। उसको दोनों बटन अगर दबाएंगे तो कोड ब्लू एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। दूसरा, कोड ब्लू अनाउंस होने के बाद में आपकी टीम पहुँचेगी ब्लू कोड की, तब तक कि आपको पेशेंट को सर्वाइव करना है। अगर रिस्पॉन्स नहीं है, आपने हेल्प के लिए बोल दिया, नेक्स्ट स्टेप है पेशेंट का हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखना है। वो कैसे देखेंगे? उसकी पल्स देख के। तो पल्स कहाँ देखना, वो हर किसी में अलग अलग है। तो बड़े, जैसे बड़े रहते हैं तो ये जो मसल्स है ना, ये दिखा, इसके बाज में ये हमारा विंड पाइप है, ट्रकिया जिसको बोलते हैं। इसके बाजू में ये जो गड्ढा है, यहाँ पे आपको फील करना है। बहुत से लोग यहाँ पे फील करते हैं, यहाँ पे नहीं होने वाला। इसके लिए कोशिश करो कि खुद की पालपेट करना सीखो, है ना। तो वो अपनी पालपेट पल्स करके देखोगे तभी टाइम पे देख पाओगे कहाँ पे देखना है। ये जो विंड पाइप है, यहाँ से ऐसे लेटरल, ये साइड में गए तो ये जो गड्ढा है मसल के अंदर, वहाँ पे वो पल्स रहती है। सब लोग अपनी अपनी पालपेट करने की प्रैक्टिस करो, तभी वो पेशेंट में देख पाएंगे। तो जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को कितनी देर के लिए चेक करना है? 10 सेकंड के लिए। ऐसा नहीं कि 15 मिनट वही पल्स पकड़ के बैठ गए, क्योंकि इमरजेंसी है। मैंने क्या बताया, मिनिमम इंटरप्शन, जितने जल्दी हो सके उसको चेस्ट कॉम्प्रेशन हमको शुरू करना है। 10 सेकंड के लिए पालपेट करो, 10 सेकंड में अगर पल्स नहीं लगी मतलब पल्स नहीं है और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चेस्ट कॉम्प्रेशन से, अगर हमको पल्स नहीं लगती है तो। अब पल्स हर किसी के अलग अलग रहती है। बड़े आदमी में हम यहाँ पे पल्स देखते हैं क्योंकि ये बड़ी होती है और अच्छे से आसानी से पालपेट हो जाती है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो इन्फंट बोलते हैं, जो 1 साल के नीचे का बच्चा है, तो उसको ये जो हाथ है, हाथ के अंदर में पालपेट करनी है। यहाँ पे नहीं करने की, यहाँ पे नहीं करने की, नेक बहुत छोटी होती है उनकी, है ना, तो वहाँ पे पालपेट ही नहीं होगी। अगर मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो भी मैं इसको पालपेट बड़ी मुश्किल से कर पाऊँगा, तो आम आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको यहाँ पे देखनी है, कहाँ पे? ये हाथ का जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे एक हड्डी होती है, वो हड्डी के ऊपर आपको फील करना है कि पल्स आ रही कि नहीं। अगेन 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड में नहीं आता तो इनको भी हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना पड़ेगा। जो थोड़े बड़े बच्चे 1 साल के ऊपर के, अगर उनको यहाँ पे फील कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पे जांग में भी एक मोटीनेस होती है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको फेमोरल हड्डी बोलते हैं, लेकिन बड़े बच्चों में भी आप इसमें फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसे देना है। ये अलग अलग है, बड़ों के लिए अलग है, 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए अलग है और 1 साल के नीचे के बच्चों के लिए अलग है, है ना। तो सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स देखा, रिस्पॉन्स नहीं है, कोड ब्लू एक्टिवेट किया, कोड ब्लू एक्टिवेट करने के बाद में हमने पल्स देखी, तो पल्स नहीं है। पल्स नहीं है तो सबसे पहले हमको देना है चेस्ट कॉम्प्रेशन। चेस्ट कॉम्प्रेशन देने के लिए, है ना, जस्ट डेमो करते हैं, डोंट वरी। डेमो करने के लिए आपको राइट साइड में इस तरह पोजीशन होना है, नी के ऊपर। अगर आप छोटे हैं तो नीचे से नहीं दे पाओगे, ठीक है, तो बेड के ऊपर चढ़ना है। बेड के नीचे का सरफेस फॉर्म होना चाहिए, जो एयर बेड है उसके ऊपर आप नहीं दे सकते, है ना। फिर इसके बाद में समझो ये निप्पल्स है, तो निप्पल के नीचे ये हड्डी के ऊपर इस तरीके से आपको पोजीशन होना है,
ठीक ठीक, और मेरे हाथ देखो स्ट्रेट है, और शोल्डर से आपको दबाना है ना। मैं आपको एक पिलो के ऊपर करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप मेरी पोजीशन देखो, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है ना, यहाँ से कमर से नहीं हिलना है, ना ही हाथ को यहाँ से बेंड करके करना है, समझे। ये हाथ ऐसे लॉक करना है। लॉक क्यों करना है? जब मैं ऐसे लॉक करता हूँ तो प्रेशर सीधा जाएगा यहाँ से, दूसरा मैं थकूंगा नहीं। अगर मैं ऐसे 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 चेस्ट कॉम्प्रेशन दूंगा तो मैं थक जाऊंगा, दूसरा मेरा हाथ अपनी पोजीशन से हिल जाएगा, 10 बार मुझे उसको जगह पे लाना पड़ेगा। उसको एक बार फिक्स कर दिया कि आपके ये एल्बो लॉक करने हैं, और उसके बाद में आपको कॉम्प्रेशन देने हैं, समझे समझे। तो इस तरीके से हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। आ जाओ मिलिंद, उठना। तो एक डेमो के लिए अपने पास अभी डमी नहीं है, तो इस तरीके से आपको देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 के बाद में आपको ब्रीथ देने हैं। ब्रीथ देने के लिए चीन उठाना है, माउथ में फूंकना है, कितने बार? 2 बार। अभी करेंगे क्या? अभी कोविड चल रहा है तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको बैगन मास्क देना है। बहुत बार एक्सीडेंट के केस रहते, मुंह में ब्लड रहता, या फिर बहुत सारा मुंह में सलाइवा भरा रहता है ना, ऐसे देख के ही लगता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है। तो वैसे इसमें माउथ टू माउथ देना है क्या? नहीं देना है। कोशिश करना है कि बैग एंड मास्क देना है। बैग एंड मास्क अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? सिर्फ चेस्ट कॉम्प्रेशन देते रहना है, ठीक है। लेकिन CPR करना है। अगर आपके पास में बैग एंड मास्क है, या फिर बहुत बार एक अलग मास्क आता है जिसके ऊपर आप माउथ से ब्रीथ दे सकते हो, वो अपने पास अवेलेबल नहीं है, कर सकते हैं अगर मुंह अच्छा है तो। अगर मुंह में सिक्रीशन है, अभी तो नहीं करना है, कोरोना टाइम में नहीं करना है, है ना। कोरोना टाइम में आपको माउथ टू माउथ नहीं देना है, आपको बैगन मास ही देना है। वो बैगन मास देने के लिए फिल्टर भी यूज़ करना चाहिए आइडियली। तो इस तरीके से कॉम्प्रेशन देना है, 30 कॉम्प्रेशन देने के बाद में 2 ब्रीथ, फिर से चेस्ट कॉम्प्रेशन के ऊपर आना है। अगर कोई 2 लोग है ना, मोइन आ जाओ, और अडल्ट पेशेंट है, बड़ा पेशेंट है, तो मैंने जैसे 30 कॉम्प्रेशन देने के बाद में जब मैं रुकूंगा तो सर 2 बार ब्रीथ देंगे, ऐसा नाक रहेगा ना उसका। हाँ, ब्रीथ दो, मैं 1001, 1002, हाँ, तो इनके 2 ब्रीथ देने के बाद मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। ऐसा कितनी बार करना है? 5 साइकल्स। 5 साइकल्स क्यों? 5 साइकल्स ही क्यों? 1 साइकिल के बाद भी तो मैं चेक कर सकता हूँ ना, हो सकता है हार्ट आ गया होगा उसका, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरप्शन मिनिमम हो, है ना। हम नहीं चाहते कि उसके चेस्ट कॉम्प्रेशन में इंटरप्शन आए। तो आप 5 साइकिल दे दो, 5 साइकिल के बाद में हो सकता है मैं थक जाऊँ, है ना। कितना भी हट्टा कट्टा आदमी हो, अगर आप प्रॉपरली एक अडल्ट को CPR दे रहे हैं तो चेस्ट कॉम्प्रेशन के बाद में 5 साइकिल के बाद में थक जाता है। तो 5 साइकिल के बाद में मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, और सर तुम इधर ही आ जाओ, हाँ आ जाओ। तो सर आ जाएंगे चेस्ट कॉम्प्रेशन के लिए, उतनी देर में मैं पेशेंट का पल्स भी देख लूँगा, है ना। तो जितनी देर में सर शिफ्ट होके आते हैं, मैं पेशेंट का पल्स देख लूँगा और हम शिफ्ट हो जाएंगे। अगर पल्स है तो फिर मेरे को देखना है ब्रीदिंग है क्या। अगर ब्रीदिंग है तो चेस्ट पल्स भी आ गई और ब्रीदिंग भी आ गई, तो फिर वो पेशेंट को ऑक्सीजन लगा के शिफ्ट करना है। नहीं, अगर चेस्ट उसमें हार्ट बीट आ गया, पल्स आ गई, लेकिन रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, तो फिर मैं उसको हर 5 सेकंड में, 6 सेकंड में 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, उसके बाद में एक देना है ना, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006। अब ये 1000 क्यों बोल रहा हूँ? कि टाइम पे मैं घड़ी नहीं देख सकता, है ना, और मैं हर तरफ घड़ी के तरफ ध्यान देके पेशेंट को CPR भी नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने एक देखा कि इतना बोलने के लिए इतना समय लगता है, तो 1001 से लेके 1006 तक के बोलोगे तो 6 सेकंड हो जाते, उसके बाद में आप ब्रीथ दे सकते, ठीक है। तो अगर ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली आ रहा है तो ऑक्सीजन लगा के शिफ्ट करना है। अगर ब्रीदिंग नहीं आया लेकिन पल्स आ गई, तो आप उसको सिर्फ ऐसा ब्रीदिंग देते देते शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर समझो ये चेस्ट कॉम्प्रेशन दे रहे हैं और बीच में मैं आ गया, कोड ब्लू आ गया, कोड ब्लू की टीम आ गई, तो जो प्राइमरी रेस्क्यूअर थे वो छोड़ देंगे क्या पेशेंट को? उनको CPR कंटिन्यू करना है, ठीक है। जो चेस्ट कॉम्प्रेशन दे रहा है वो चेस्ट कॉम्प्रेशन पे ही फोकस करेगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा,
अगर दूसरा आदमी है जो बैगन मास दे रहा है वो बताएगा कि ऐसा ऐसा पेशेंट था, हमको ऐसा कोलैप्स मिला, हमने देखा तो पल्स नहीं थी, CPR शुरू किया है और ये अभी तीसरी साइकिल है। ये बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो बोलेगा दो साइकिल और कर लो, उसके बाद में जब तुम स्विच होंगे तो मैं पेशेंट को असेस करूँगा, ठीक है। तो जब कोड ब्लू आ जाता है तो उसके बाद भी आपको CPR रोकना नहीं है, आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट रोकना नहीं है, ठीक। कोड ब्लू का मेन काम है डीफेब लाना, है ना, डिफिब्रिलेटर जो है वो लाना, क्योंकि बहुत बार जब ये कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट रहते हैं, हार्ट ब्लॉक के पेशेंट रहते हैं, इनमें अरिथमिया होता है, हार्ट बीट बराबर रेगुलरली काम नहीं कर रही होती, उसमें हमको शॉक देना होता है, तो इसलिए कोड ब्लू आने तक के आपको CPR कंटिन्यू करना है। वो आने के बाद में रिदम देखते हैं, अगर उनको लगा कि शॉक देने की ज़रूरत है तो वो शॉक देंगे, ठीक। तो ये अपना बेसिक लाइफ सपोर्ट का अडल्ट का हो गया। अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन में भी चेस्ट कॉम्प्रेशन आप इसी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन अगर समझो बहुत छोटा बच्चा है और उसकी चेस्ट इतनी बड़ी नहीं है कि आप दोनों हाथ रख सके, तो आप सिंगल हाथ से भी चेस्ट कॉम्प्रेशन दे सकते हैं, है ना। इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, बच्चों में अगर एक अकेला आदमी है जो बच्चे को बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहा है तो 30 कॉम्प्रेशन देने के बाद में 2 ब्रीदिंग देगा, लेकिन अगर दो लोग हैं जैसे मैं हूँ और मोइन सर है, तो मैं 15 बार दबाऊंगा और उसके बाद में 2 बार सर ब्रीद देंगे, ठीक है। कॉम्प्रेशन देने का तरीका वही है, निप्पल लाइन जो है उसके साथ में नीचे में, है ना, एक हाथ से आप बच्चों को दे सकते हैं, 2 हाथ से अडल्ट को दे सकते हैं, ठीक। अगर बहुत छोटा बच्चा है, उससे भी छोटा बच्चा है, 1 साल के नीचे का बच्चा है जिनको इन्फंट बोलते हैं, इसमें और थोड़ा चेंज है, ये हमको पता होना। अगर मैं अकेला कर रहा हूँ और चेस्ट कॉम्प्रेशन देने की बात है, तो जैसे ये लाइन है उसके नीचे 2 उंगली से दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। माउथ टू माउथ नहीं देना है तो बैगन मास्क, बैगन मास्क के लिए मास्क उसका छोटा रहेगा, है ना। दे दो सिस्टर, आप इस तरीके से फिर उसको, और जब ब्रीथ देते हैं तो चेस्ट राइज हो रही कि नहीं हो रही आपको देखना है, है ना। उसके बाद फिर से 30 बार फिर से अगर सर आ गए, है ना, अगर सर आ गए तो ये मैं इसलिए कर रहा था ताकि मैं यहाँ से देने के बाद में तुरंत उसको बैगन ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकूँ। अगर सर आ गए और सर एयरवे हैंडल कर रहे तो मैं और अच्छी तरीके से उसको दोनों हाथ से करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1001, 1002, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1001, 1002, हाँ, है ना। तो जब दो लोग करते हैं तो 15:2 कॉम्प्रेशन देना है। दूसरा, मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ, है ना, जब भी मैं काउंट कर रहा हूँ तो मन में काउंट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उसको भी तो पता होना चाहिए कि मेरा ब्रीथ देने का टाइम आ रहा है करके, तो वो भी रेडी हो जाएगा, नेक की पोजीशन दे देगा, सील बराबर से कर लेगा, और तो जैसे ही आप 15 बोलोगे वो ब्रीथ देगा। अडल्ट में अगर दो लोग है या वन लोग है, एक है या दो लोग है बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के लिए, हमारा रेशो 30:2 ही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उसमें अगर दो लोग आते हैं तो उसमें 15:2 करना है, ठीक। क्योंकि रेस्पिरेशन बच्चों को ज़्यादा चाहिए रहता है, उनकी सांस की गति ज़्यादा रहती है, तो अगर दो लोग हैं तो हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा बार सांस दिया जाए। अगेन, अगर कोरोना का एपिडेमिक है अपनी अभी जैसा चल रहा है, या फिर बच्चों को बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रॉसली इन्फेक्टेड लगता है, तो उसमें आपको माउथ टू माउथ नहीं देना है, उसमें आपको बैगन मास्क ही देना है, समझे। अब इसमें जो चेस्ट कॉम्प्रेशन हम दे रहे थे उसमें मैंने जैसे बताया कि ऐसे ऐसे अगर आप दबाएंगे तो हार्ट उसका फिलअप ही नहीं होगा, तो हमको कैसे करना है, 1, 2, तो ये जब दे रहे हैं आप, उसके बाद में आप उंगलियों को ऊपर उठा रहे हैं ताकि जो हार्ट जो कॉम्प्रेस हो रहा है वो वापस अपनी जगह पे आए, वापस अपनी जगह पे आएगा तो वो ब्लड अंदर में फिलअप करेगा और नेक्स्ट टाइम आप जब दबाओगे तो वो पम्प करेगा। अगर इसी तरीके से आप दबाते रहे तो वो फिलअप ही नहीं होगा, वो फिलअप नहीं होगा तो नेक्स्ट साइकिल आपका वेस्ट जाएगा क्योंकि ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें वो एक फिक्स क्वेश्चन रहता है कि चेस्ट कॉम्प्रेशन के फीचर्स क्या है ना, चेस्ट कॉम्प्रेशन के फीचर्स क्या है, तो 4 फीचर्स हमको याद रखना है। एक, 100-120 टाइम्स आपको पुश करना है। दूसरा, पुश फास्ट पुश हार्ड, मतलब आपको जोर से दबाना है, एडिक्वेट दबाना। अब एडिक्वेट मतलब कितना, उन्होंने ऐसा बोला है कि अडल्ट में 5 सेंटीमीटर तक दबाओ,
और जो बच्चे हैं उसमें 4 सेंटीमीटर तक दबाओ। अब हम घड़ी तो लेके बैठ नहीं सकते या फिर टेप तो लेके बैठ नहीं सकते, एक अंदाजे से हमको देखना है कि 5 सेंटीमीटर तक अडल्ट में आपको चेस्ट कॉम्प्रेस करना है और छोटे बच्चों में 4 सेंटीमीटर तक। अगर कोई साथ में है, जैसे हॉस्पिटल सेटअप है, सब लोग आ रहे हैं, तो आप साइड बाय साइड एक जन पल्स देख सकता है कि नहीं, यहाँ पे बड़े में, यहाँ पे बच्चों में, यहाँ पे फीमोरल पल्स देख सकता है कि आप जब चेस्ट दबा रहे हो तो पल्स आ रही कि नहीं आ रही, है ना। अगर पल्स आ रही है मतलब एडिक्वेटली बराबर से दबा रहा है, समझे। तो अगर आपको पूछा कि चेस्ट कॉम्प्रेशन के कार्डिनल फीचर्स क्या है, तो उनको बताना है कि पुश फास्ट पुश हार्ड, मतलब जोर से दबाना है और फास्ट दबाना है, 100 से 120 बार एक मिनट में दबाना है, मिनिमम इंटरप्शन रखना है ना। मतलब ऐसा नहीं कि साइकिल दे दी बाद में पल्स देख रहे, फिर चेस्ट कॉम्प्रेशन दिया और मेरे से बात कर रहे, किसी को एक्सप्लेन कर रहे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, मिनिमम इंटरप्शन। तो जो चेस्ट कॉम्प्रेशन दे रहा है वो चेस्ट कॉम्प्रेशन ही देगा, जो कुछ चीज़ें बतानी की है, जो एयर वे दे रहा है, ब्रीदिंग दे रहा है, वो करेगा, है ना। तो मिनिमम इंटरप्शन। और चौथी चीज़ है कि अलाउ चेस्ट रिकॉइल, तो दबाने के बाद उसको वापस भी आने देना है ना। तो अगर हम इसको हिंदी में बोलना है, अपने को इंग्लिश में नहीं बोलना आ रहा, तो हमको बोलना है कि हमको फास्ट और हार्ड चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है ना, फास्ट देना है, हार्ड देना है, 100 से 120 बार देना है एक मिनट में, उसमें इंटरप्शन एकदम मिनिमम रखना है, और चौथा चेस्ट को अपनी जगह पे आने देना है ताकि हार्ट में ब्लड भर सके, समझा। अब ये वीडियो जब सुनोगे तो याद कर लेना ये चीज़ को, यही चीज़ें आपको दोहरानी है, ठीक है। तो हमने क्या मेन चीज़ें देखी हमारे कल के इसमें, जो भी हमारा जब भी इंस्पेक्शन रहेगा तो क्या चीज़ें देखनी है अडल्ट में हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन देने के लिए, यहाँ पे आके 30:2 रेशो देना है। बच्चों में हमको सिंगल रेस्क्यूअर अगर है, सिंगल आदमी जो बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहा है, तो 30:2 देना है, लेकिन अगर दो लोग आ रहे हैं तो 15:2 देना है, ठीक है। जब भी ब्लू टीम आती है तो हमको छोड़ना नहीं है, है ना, हमको कंटिन्यू करना है, और उसके बाद में जैसे इंस्ट्रक्शन देगा टीम लीडर उसको फॉलो करना है। अगर वो बोलता है कि नेक्स्ट साइकिल के बाद आप छोड़ देना, कोई और करेगा, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तब तक के, जब तक के वो बताता नहीं, तब तक के पेशेंट को छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं कि कोड टीम आ गई तो, कोड ब्लू आ गई टीम तो हमारा काम हो गया कर, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, सबसे पहले हमको देखना है पेशेंट का रिस्पॉन्स, उसको टैप करना है। बच्चे को आप यहाँ पर टैप कर सकते हो, बड़ों को आपको शोल्डर पर टैप करना है, उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स देखना है। रिस्पॉन्स नहीं है तो सबसे पहले किसी को हेल्प के लिए बुलाना है और कोड ब्लू को एक्टिवेट कराना है। कोड ब्लू को एक्टिवेट करने के लिए नंबर है 555, ठीक है, वो बोलेगा कोड ब्लू और जगह बताएगा, ठीक है। उसके बाद में जब भी आपने देखा कि रिस्पॉन्स नहीं है, कोड ब्लू को एक्टिवेट कराने के लिए बोल दिया, उसके बाद में आप बच्चों में आप पल्स यहाँ पे देखोगे, बड़ों में यहाँ पे देखोगे, है ना, विंड पाइप के पास में 10 सेकंड के लिए चेक करना है। 10 सेकंड में अगर पल्स नहीं मिलती तो आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन शुरू करना है। बड़ों में करना है तो पोजीशन मैंने बताई है, घुटनों के बल आके हाथ स्ट्रेट कर रख के आपको कॉम्प्रेशन देना है, और उसके बाद में 30:2 कॉम्प्रेशन देना है। एक साल के ऊपर के बच्चों के लिए 30:2, लेकिन अगर समझो दो लोग हैं जो बच्चे को बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं, तो 15:2, है ना, 15 बार चेस्ट कॉम्प्रेशन, 2 बार ब्रीदिंग। छोटे बच्चों में अगर दोनों हाथ रखने के लिए जगह नहीं है तो आप एक हाथ से भी दे सकते हैं। एक साल के नीचे के बच्चे के लिए जब आप अकेले हो तो आपको 2 उंगली से देना है राइट साइड में खड़ा होकर, क्यों, क्योंकि आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन दिया उसके बाद में तुरंत ब्रीदिंग दे सके। लेकिन अगर दो लोग हैं तो तुरंत आपको ये पोजीशन में आना है चेस्ट कॉम्प्रेशन देने के लिए, है ना। ये भी चीज़ वो नोट डाउन करते हैं कि जब दो लोग हो गए, एक की जगह पे दो हो गए, तो उन्होंने पोजीशन चेंज की कि नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझना है। और कोड ब्लू आने के बाद में पेशेंट को छोड़ना नहीं है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू करते रहना है। चेस्ट कॉम्प्रेशन के कार्डिनल फीचर पूछे तो बताना है कि पुश फास्ट पुश हार्ड, आपको फास्ट पुश करना है और हार्ड पुश करना है, 100 से 120 बार एक मिनट में चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है, मिनिमम इंटरप्शन रखना है और चेस्ट रिकॉइल को अलाउ करना है, समझे।